आइसक्रीम? भैया यहाँ से यहाँ मुझे ट्विस्ट करेगा। नहीं नहीं राधिका, नहीं तुम लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस घर का एक हिस्सा नहीं रही। आर यू क्रेजी राधिका, तुम हमारा और हमारी खुशियों का एक हिस्सा थी और हमेशा रहोगी। जस्ट रिमेम्बर दैट, ओके? सीरत, तुम हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो और शादी होने से क्या होता है, अपनों से एक जो रिश्ता है, जो बॉन्डिंग है, वो तो नहीं टूटती। लेकिन तुम इस वक्त इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हो? क्या तुम अमित जीजू को इतना मिस कर रही हो कि हम सब हैं फिर भी यू नो अमित कौन है? अरे राधिका, जस्ट रिमेम्बर वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू एंड वी रियली लव यू, ओके? करण चाचू कहाँ रह गए? I'll go have a look. अरे he's just out. 2 मिनट में आ जाएगा। लेके आती हूँ ना। आजा चल जा, तू कॉफी लेके आ जा। Stand, sweetheart. But Karan, this is not fair. बात करता हूँ करते you wasted so much time. I know. अब तो वाकई मुश्किल हो गई है. Right. जब Sharon की बात करनी है, then everything is difficult. Otherwise, everything else is so simple for you. Come on, Sharon. राधिका की शादी के बाद मुझे बाबूजी से बात करने का मौका मिल जाएगा. कौन सी बात करने का? Relax, okay? I'm going to tell him that I'm in love with this girl called Sharon. She's the best thing that ever happened to me and we need your blessings. That's all. Bas wo tumhe apni bahu banane ke liye aa jayenge. You know what, Karan? You're taking the whole thing very lightly and I don't like that. What do you mean? Karan, you know mere parents bhi kitne impatient ho rahe hain. But they say if we can live together, why can't we get married? देखो, शादी में जल्दी न करने का फैसला हम दोनों का था. Besides, हम 2 साल तक साथ रहे हैं. इतने दिनों की अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, the bond that we've created, ये सब क्या खत्म हो जाएगा? I can also say that you're not being fair. I know. I'm sorry, Karan. I'm very insecure these days. The other day I was reading a book जिसमें it said that के एक रिलेशनशिप को लास्ट करने के लिए ईदर ऑफ द लिसन द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज स्टॉप रीडिंग दिस साइको एनालिसिस व्हाटएवर. तुम्हारे लिए सब क्या मेरे से ज्यादा मायने रखता है? करण, यू नो यू मीन द मोस्ट टू मी. देन ट्रस्ट मी एंड स्माइल फॉर गॉड्स सेक, ओके? आई लव यू टू स्वीटहार्ट. I'll call you later, okay? Bye. Hey, what's up? I was just talking to a friend of mine. Thoda pareshan hai. Aap bhi to pareshan lag rahe hain, chachu. Haan, wo uski problem mein kuch zyada hi involved ho gaya tha isliye. Let's go, chachu. Everybody's waiting. Yeah, let's go. तो यहीं आने की सोच रही थी आप? और फोन ना तो हम किसी ऑफिस में ना किसी ऑफिशियल मीटिंग में. या आप मत करो. मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था कि तुम प्लीज कुछ मत पूछो विशाल, बस मेरा कहा मान लो. वो तो मैं मानता ही हूँ अपने काम के दौरान. I have to obey the president of the company I work for. वो फिर से वही ऑफिशियल बात. हम दोनों लंदन में नहीं है, आयरलैंड में है. और इस वक्त मैं सुमाया नहीं, सिर्फ श्वेता हूँ जो अपने पुराने दोस्त को कॉफी पर इनवाइट कर रहे हैं. रिलैक्स. क्या बात है? क्या सोच रहे हो कि मुझ में इतनी स्वीटनेस कहाँ से आ गई? डोंट बी सरप्राइज नाउ, मुझ में भी तो अच्छाइयाँ हो सकती हैं.
हाँ वो अलग बात है कि जमाने ने इतना दर्द दिया कि मुझमें कड़वाहट भर गई। बट बिलीव मी विशांत, मैं दिल से बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बातें तुम्हें हर्ट करें। बट यू नो देयर इज दिस स्ट्रेंज बिटरनेस दैट ओवरपास मी एंड देन, और फिर मैं अब वो श्वेता भी नहीं रही जिसे तुम जानते थे, याद है? जब मैं कभी गुस्से में किसी को बुरा बोल देती थी, यू वुड से श्वेतु सब कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता, देयर शेड्स ऑफ ग्रे, आदमी सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, यू रिमेम्बर दैट? आई एग्री कि मैं सर्कमस्टांसेस की वजह से बदल गई हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बुरी नहीं जितना तुम मुझे समझते। प्लीज श्वेता, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था। तुम नहीं कहते, तुम्हारी आंखें तो कहती, और जिसे आपने इतना चाहा हो उसकी आंखें पढ़ने में जरा भी मुश्किल नहीं होती। सालों से एक दिल में बात थी, आज कह रही। जब तुम चले गए थे तो मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, एकदम अकेली। वो तुम्हारा फैसला था, ये बीती बातें छोड़ो तो। लेकिन वो अकेलापन तो आज भी है मेरे साथ विशांत। मैं करियर में इतना ऊपर आ गई हूँ कि मेरे आसपास मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुमसे बात करके मैं अपना दिल हल्का करना चाह रही थी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? शांत, मैं एक उम्र नहीं बस एक शाम मांगना चाहती हूँ अपने लिए। कल फिर से वही दौड़, काम, परेशानियाँ। आज की शाम हम अपनी पुरानी दोस्ती को डेडिकेट कर सकते हैं। बस मैं एक रात तुम्हारे साथ बिताकर अपनी तन्हाइयों को भर देना चाहती हूँ हमेशा के लिए। अभी तो तुम शाम की बात कर रही थी, तो ये रात बीच में कहाँ से आ गई? मैं चाहती हूँ हमारी ये शाम रात तक ही नहीं सुबह तक चले। श्वेता, आई हैव टू मेक सम अर्जेंट कॉल्स, एक्सक्यूज मी। हाँ, सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं, वहाँ हमें कोई मिस नहीं कर रहा। पर हम लोग वापस क्यों आ गए? अपने रास्ते में भी नहीं बताया। क्योंकि तुम्हारी मम्मा चाहती है कि हम लोग शादी तुम्हारे पापा के साथ अटेंड करें। पापा इज बिजी। आई नो दैट गीतिका, आई नो दैट ही इज बिजी। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, प्लीज।
बेटा सिमरन। जी बाबूजी। बेटा सिमरन से कहो कि विशांत आ गया है। बाबूजी वो लोग तो शायद ऊपर हैं। कोई नजर नहीं आ रहा बाबूजी। गीता ताई जी बच्चे। मेरी जी जरा सिमरन को बुलाना। जी वो तो बाहर गई हैं, है नहीं? बाहर तुम जाकर देखो गीता के रूम में होगी। नहीं वहाँ बाकी लोग हैं लेकिन वो गीतिका को लेके सिमरन भाभी बाहर गई है। बाहर गई है? अभी तो गीतिका को यहाँ देखा था मैंने। जी थोड़ी देर पहले गए हैं। कमाल है मुझे बताया भी नहीं। आप ऊपर थे ना। बाबूजी मैं जरा घरों के आता हूँ। पे फोन करके तो देख लेते। नहीं नहीं वो घर पर ही है। हम लोग अभी आते हैं बाबूजी। वी जस्ट बी बैक। खुद तो परेशान रहता ही है, बीवी बच्चों को भी परेशान करता रहता है। सिमरन 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 व्हाट्स द मैटर? क्या कुसूर है मेरा विशांत? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? Do I really deserve this? कोई मुझसे नहीं पूछता है कि सिमरन तुम कैसी हो। सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे। बॉबी के जाने के बाद तो तुमने मुझसे अजीब सी दूरी बना ली। सब दूर हो गए मुझसे, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड। बस बस तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप तक से दुश्मनी ले ली। I'm sorry सिमरन, मैं पहुंच नहीं पाया। आई नो इट्स माई फॉल्ट। तुम कुछ भी बोलो पर ऐसा ना बोलो। मैं जानता हूँ कि घर वाले तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। घर वालों ने मुझे परेशान करके नहीं रखा है, मुझे परेशान तुमने किया हुआ है और तुम्हारी श्वेता सुमैया ने, तुम दोनों ने परेशान किया हुआ मुझे। God, this is taking forever. हल्दी के रसम से देख रही हूँ, समथिंग इज बॉदरिंग माई मल्लू। वरना अपने कपड़े यहाँ वहाँ बिखेरने वाली मेरी छोटी बहन आज खुद अपने कपड़े समेट रही है। ये काम तो मेरा है ना। पता है मल्लू, ये काम मेरा था कहने का दिल नहीं कर रहा।
चुपचाप बैठी है वो भी मेरे सामने, जिसके साथ तेरी बातें खत्म नहीं होती थी, अपनी हर एक सीक्रेट मेरे साथ शेयर करती थी, बातें करते करते सुबह हो जाती थी और फिर मुझसे कहती थी, राधिका कैन यू बिलीव इट व्हाट टाइम इट इज, इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग, प्लीज आज मैं यहीं सो जाऊं, आई प्रॉमिस मैं तुझे लात नहीं मारूंगी। और फिर मेरे साथ दुपट्टे सो जाती थी, तेरी सारी बातें खत्म हो गई मल्लू। I'll miss you, Radhika. I'll miss you. I'll miss you too. Everything will be all right. थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, फिर हम दोनों को अकेले वक्त नहीं मिलेगा। I can see it in your eyes. Something is bothering you, na? क्या बात है मल्लू? I just don't understand why can't things be simpler? इतनी complexities क्यों हैं? That's my crazy Mallu. Buddhu, शादी कोई complexity थोड़ी है? Of course है. दी 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 दी. चाची ने आप दोनों को नीचे बुलाया है. Priest आ गए हैं. आप लोग नीचे चलिए. चाची से कहो हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं. मालविका दीदी रो रही हैं? हाँ वो मुझे चुप कराते कराते खुद रोने लग गई। अच्छा आप इनको चुप करा कर नीचे आइए, आपका वेट कर रहे हैं सब लोग। मैं जानती हूँ मल्लू, सब लोग मुझे समझते हैं, पर एक्चुअली ये बात कोई नहीं जानता कि मालविका राधिका से कई ज्यादा सेंसिटिव है। तू इतनी यंग है और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सोच रही है, तुझे ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं सॉल्व कर देती हूँ। तेरे ये फ्रेंड्स जो कहते हैं दैट मैरिज इज अ हॉली इंस्टीट्यूशन एंड लाइफ इज कॉम्प्लेक्स, ये सब गलत बातें हैं, बिकॉज लाइफ इज सो सिंपल। मालविका यही बात है ना या और कुछ, मुझे बता। राधिका को वहां छोड़ के मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात थी जो वहां नहीं कह सकती? बोलो ना। करण चाचू, वो एक शरण नाम की लड़की से प्यार करते हैं। He loves her. और मुझे ये बात, तुम मजाक कर रही हो ना? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। Come on, say it. Say you're joking. I'm not joking, Rani. Malvika, you must be. Karan ऐसा नहीं कर सकता। और मेरे साथ तो हर किस नहीं। Rani, Rani, listen to me. Rani, wait. क्या बात है राधिका? You guessed it right, Radhika. I'm crazy. उलझा दिया ना मैंने तुम्हें अपने stupid thoughts में. Why do you take me so seriously? Let's go. बाद में बातें करेंगे. अब कहाँ करोगी तुम मुझसे बात? जीजू आकर मुझसे कहेंगे, मालविका अब से ये सिर्फ मेरी बात सुनेंगी और मैं इनकी। I miss you too. कोई मेहमान नहीं, तुम बैठो, एक ही काम है, पूजा में बैठो। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमम। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमम। ओम भुव स्वाहा इदं अग्ने नमम। ओम भुव स्वाहा इदं वावे नमम। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा इदं ग्राम देवताभ्यो नमः।
Hello. Hey, this can't be my Sharon. Why are you sounding so low? Why? Karan, you leave me here all alone and then I'm not even supposed to be upset. तुम अकेली कैसे हो सकती हो? अभी तो मेरे साथ थी मेरे ख्यालों में. Karan, please. It's true. I just dreamt of you as my bride and my family was blessing us and... And right, and asking me hello, who are you? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं. You shouldn't think like that. Never. बस ये सेरेमनीज खत्म हो जाएं, उसके बाद दाऊजी को पता चल जाएगा. Karan, when they know, मुझे तब बताना, okay? And it's going to happen soon. Believe me. अच्छा ये बताओ, तुम उनका ख्याल रख रही हो? Oh, you finally think of that now, huh? You seem to be in a bad mood. Cheer up. Come on. You promised. देखो मैं सेरेमनीज अटेंड नहीं करूंगा बाकी. Karan, don't. I'm fine, okay? You go. They must be missing you. Okay? And listen. Give my love to Radhika, okay? Okay. आंखें बंद कर ले और उसके बाद ना हाथ ऊपर कर लेना, देखते हैं कलीरे सबसे पहले किसको छूते हैं. जाओ ना, शादी कब आएगी ना. अरे जाओ ना, बहाने क्या करते कर ला. ये यू अरे जाओ ना. ये अभी से छुओ, इसे छुओ. लो रानी, दुल्हन के हाथ का झूठा अगर खाओगी तो तुम्हारी शादी भी बहुत जल्दी होगी. लो मालविका. चाचू, I'm so sorry, राधिका. कैसी बातें कर रहे हैं आप? कभी बड़े छोटों से सॉरी कहते हैं क्या? मैंने कुछ गलत कहा चाची? आप लोगों को यहाँ देखकर I'm just so happy. तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस इन लोगों को छोड़ने आया था. सो तो ठीक है, बहुत सालों के बाद तुझे देख रही हूँ. अच्छे से देखने तो दे. राधिका, हाँ एक बात बोलूँ, तुम्हारा चाचू तो पहले से भी बहुत हैंडसम हो गया है, एकदम फिल्म स्टार लगते हैं. फिल्म स्टार बिल्कुल ये. मुझे चिढ़ाने के लिए अंदर बुला रही थी क्या? अरे नहीं भाई, मैंने तो ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैं तुम्हारी ब्राइड का मेकअप कब करूँगी. जल्दी, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. मुझे तो नहीं लगता कि थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़े. मुझे भी नहीं लगता. एक्चुअली मैं इंतजार करना भी नहीं चाहता. अरे वाह. अच्छा इन लोगों को कब लेने आऊं? Well, 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे. Alright, so I'll see you girls in a couple of hours. Alright. Okay. Bye. Bye. See you. Bye. Bye. चलो girls. Start getting ready. Sorry, thank you. सब चोचले हैं अंग्रेजी ज़बान के, जो मैं नहीं बर्दाश्त करता. इतना अंग्रेज नहीं हुआ मैं अब तक और ना कभी हो पाऊंगा. वाह साहब, घर की बच्ची का ब्याह है और जनाब दिन रात काम में मसरूफ है, सबके लिए वक्त है इनके पास. मेहमान की तरह घर आते हैं फिर आके कहते हैं भाऊजी सॉरी. क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या कहूं मैं? वेल सन, कैरी ऑन द वे इट इज. थैंक यू, आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला. ये कल्चर मैं तो नहीं ला पाया. हाँ मेरे बनने के बाद तुम लोग जरूर ले आना. रणराज, ये क्या क्या बोल रहा है तू? बच्चे अपनी तरफ से माफी मांग रहे हैं, इतना तो समझ रहा है कि मैं कुछ नहीं समझ रहा हूं एडी. सारी सूझबूझ तो इनके पास है, बड़े अफसर बन गए हैं ना. आज तक लोगों के घर में देखने को मिलता था ये, आज अपने घर में देख लिया. और ये क्या पड़ी है, इनकी अपनी बच्ची की शादी थोड़ी है, भाई की बच्ची की शादी है ना, क्या लेना देना इससे. कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कर रहा हूं बेटे. मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो काम का पहाड़ तो सिर पे लेके घूमता है, कल तेरी बच्ची की शादी होती क्या तू यही काम का पहाड़ लेके घूमता?
नहीं बेटे नहीं, एक बात कहूं, ये जो अपनों में तेरे मेरे का चक्कर है ना, ये बहुत गलत चक्कर है। राव जी आप मुझे सिर्फ मेरी गलतियों के लिए डांटिए, ठीक है मैं ऑफिस से वक्त नहीं निकाल पाया घर के लिए, ये मेरा कसूर है मैं मानता हूं, उसके लिए आप मुझे चाहे 100 बातें कहिए, लेकिन मैं राधिका की शादी में नहीं आया क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। राव जी ऐसा ख्याल, ऐसा तो मैं अपने दिमाग में कभी सोच भी नहीं सकता। मालविका मुझे तुम्हारे जीजू की बहुत बहुत चिंता हो रही है भाई। क्यों आंटी? एक काम करो, तुम खुद को निहारना बंद करो और लुक एट योर सिस्टर। Hey, she's looking stunning. यही तो मैं कह रही हूँ, बेचारे अमित का क्या हाल होगा? I swear it. मेरी बात छोड़ो, check रानी out. चाचू का क्या हाल होगा? Excuse me, ladies. और कितना वक्त लगेगा? बस 2 मिनट, they are ready. You girls. My God. Is that you, Rani? You look awesome. और हमारी गीतिका? Hey, गीतिका, you look amazing. Okay, come on now, hurry up. We have to go. Come on, move it. अरे आप अभी तक तैयार नहीं है, बारात आने का वक्त हो रहा है, बच्चों को तो बड़ा लेक्चर देते रहते, ये नहीं वो नहीं। हाँ तो ठीक है, तो कहता हूँ और ये भी तो कहता हूँ कि उन्हें और मुझे बिगाड़ने में तुम्हारा हाथ है। आपको कितनी बार कहा है लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। अब क्या करूँ, यहाँ कोई ढंग का मिल नहीं रहा, जैसे तैसे तैयार हो गया हूँ मैं। मालती ने आज के दिन के लिए खास आपके लिए ये जैकेट खरीदा है, लीजिए इसे पहनिए। तो पहना ठीक ही तो है। ओहो, उतार दीजिए ना इसे। मुझे कौन सा छैला लगना है इस उम्र में, इज्जत कर रही हो तुम? खामो उतार दीजिए इसे, पहनिए इसे। मेरी शादी पूरी तो क्या हुआ? मोती की शादी। तो आपको भी तो अच्छा लगना है कि नहीं? मैं कुछ भी पहन लूं ठीक ही लगूंगा। कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा जूते तो वही पहनने चाहिए थे। जल्दी जल्दी चलिए, आज हमारे सामने सब फीके पड़ जाएंगे नीचे। कितना अच्छा लग रहा है आपको इतना खुश देखकर। हाँ देविका, खुश तो मैं हूँ भाई, अपने पोते पोते का ब्याह देखना किस्मत वालों को तो नसीब होता है। आपकी कितनी मेहर है हम दोनों पर, उससे एक ही प्रार्थना है, राधिका अपने घर में हमेशा खुश रहे। आप चले। ॐ गवमित्रः पवित्रो वा सर्वस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षसवायाभ्यान्तरसुचिः ॐ स्वस्तिनः इन्द्रो बृहदसवाः स्वस्तिनः पूखा विश्ववेदाः स्वस्तिनः नतार्क्षोरस्तनेमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातो ॐ पयः पृथिव्यां पयो ओषधयुष्पयो दिव्यान्तरिक्षे पयो दापयस्यतो प्रतिशसन्तु मह्यम् ॐ गणनान्त्वा गणपते गुङ्गवामहे प्रियनान्त्वा प्रियपते गुङ्गवामहे निधिनान्त्वा निधिपते गुङ्गवामहे वशो मम आहं जानात् गर्वधास्मजासे गर्वदम् ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्ष त्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वद्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तरेदि ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ बाणीहिरणगर्भाभ्यां नमः ॐ सच्चपुरादराभ्यां नमः ॐ मातृपितचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इषदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वोभ्यो देवभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुत्सहितां श्रीमन्महागणाधिपते नमः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतरो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासादिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते ॐ सुमुखचेकदन्तस्य कपिलोगजकणकलम्बोदरस्य विक्रमविघ्नाशोगणाधिप
धुंड केतु ग्राध्य भाल चंद्र गजानन द्वादश सुल्तान नामानीय परश्री यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे नर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्न तस्मै जायते शुक्लां वरधरं देव शशिवरणं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोऽपि शान्ते अभी सीतार्थ सिद्धार्थं पूजितो या सुरासुर सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्री गणाधिपते नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्त्येषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें युगे स्मरामि लाभतेषां जयतेषां कुतत्तेषां पराजय येषां मिन्दी वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दन ओं मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजं मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओं सुमुखस्य गदन्तस्य कपलोपकर्णकलम्बोदरस्य विक्रमविघ्नाशो गणाधिप धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन द्वादश Thank you.